इसको नहीं समझ से बात ही नहीं करनी थी, बहुत एमेच्योर है चीजों में, आंटी से बात कर लेंगे डरे ऐसे तो। Hey guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. Yes, I'm a rapper actually, मैं rap बहुत अच्छा करती हूँ. So जैसा कि आपको पता है कि अर्श ने मेरे ऊपर एक prank किया था and मैं काफ़ी prank होती हूँ in life in general also. So I thought कि अब मेरी बारी, अब बहुत हो गया, एक रिवेंज prank तो बनता है. और मैंने अपनी snapchat पे story डाली थी कि मुझे ideas दो कि मैं क्या prank कर सकती हूँ. एक की बहुत request आई थी, वो है moving back to Delhi, कि मतलब I'm not able to adjust in Mumbai and मेरा मन नहीं लग रहा है and everything of that sort. And ये बहुत ज़्यादा believable भी है because मेरे से 100% expected है ऐसी बातें सुनना उन लोगों के लिए, क्योंकि वह जानते हैं थोड़ा मेरे नेचर को, पता है उनको. तो ये प्रैंक मैं करने वाली हूँ उन पर, अर्श मानव आईडी. एंड मैं बाहर हॉल में ये कैमरा सेट करने वाली हूँ. मेरा बहुत छोटा सा कैमरा है, उनकी तरफ तबाखड़े कैमरा नहीं है मेरा, तो बिल्कुल नहीं. मेरे साथ है माई टीम मेट एंड माई फ्लैटमेट संकेत. एंड सॉरी वो दूसरे रूम में वैसे, बट तो संकेत को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है. एंड संकेत को मैं पहले से बता दी हूँ क्या हम करने वाले हैं, लोगों का. अभी मैंने शंकू को बोला है कि मुझे वो कॉल करे जब मैं उसको इंडिकेट करूँ या फिर मैसेज करूँगी मैं. एंड वो तब मुझे कॉल करेगा एंड आई विल प्रिटेंड कि मुझे मम्मी का फ़ोन आ रहा है एंड मम्मी से कॉल बात करते करते कुछ भी बोलूँगी ऐसे से, ताकि उनको हिंट हो जाए कि कुछ तो बात चल रही है. एंड देन अगर वो अगर मुझे बात करते सच में रोना आ गया तो आई डोंट नो, बट अदरवाइज तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है. सो यस दैट्स That and अभी हम जाते हैं कैमरा सेटअप करते हैं, कैमरा सेटअप करते हैं, देखते हैं वो लोग कुछ रिएक्ट करते हैं कि नहीं, या फिर मुझे गालियां भी दे सकते हैं. रिएक्टिंग करनी पड़ेगी यस थोड़ी सी, क्योंकि तेरे को इन्वॉल्व होना है, हुआ है तो ये दिखाना नहीं है. और मुझे बहुत डर है कि वो सच में गाली वाली ना दे दे, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी परेशान है मेरी ऐसी बातों से, क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी और मेरी और माना सबकी ऐसी बातें चलती रहती थी. तो देखते हैं क्या होता है, चलो फिर करते हैं सेटअप. स्टार्ट करने लगी हुआ, मैंने कैमरा यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे इतना कूड़ा है कि मेरा छोटा सा कैमरा दिखने में नहीं बनाया लोग को. हम आ जाएंगे ना, तो शंकू को मैंने बोल दिया जब मैं उसको इशारा करूँगा तो उसको मुझे कॉल करना, तो मैं बैठ जाती हूँ इस बार. A few moments later. Ronnie, Buddy, Dudu. Sushi, खाना खा लिया इसने? रो, रख दे ना फिर. One eternity later. Water. Welcome back to. एक दो लाइट चली गई थी. हेलो हाँ, मैंने आपको बोला तो था. नहीं 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 मैं नहीं, मैं करवा रही हूँ यार फ्लाइट. नहीं मैं सेकंड वीक, अभी थोड़ा यहाँ पर लॉकडाउन का सीन है तो उसके बाद होते फिर, मतलब मई तक तो नहीं, फिर मैं कराती हूँ. नहीं यार आपको पता, मैंने आपको पहले भी बोला था कि नहीं करते, मैं वापस आ जाती हूँ उसमें उसके बाद.
नहीं, मैं सेकंड वीक की मैं करा रही हूँ फ्लाइट, उसके बाद हम देखते हैं। मैं रात में आपसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद कर लेंगे। बैटरी कम ना होने आज हमने वो भी तो नहीं भांगड़ा सॉरी चार्जर चार्जिंग स्पॉट के लिए जा रही है, मतलब 10-15 दिन के लिए जा रही है। वो तो मेरा भी मन कर रहा है जाने का, वो तो मैं वापस जा रही हूं। मैं भी लौटता ही हूं। अरे मतलब मैं अपना घर जा रही हूं। तो अभी तो फ्लैट लिया है, कैसे जाएगी? फ्लैट लिया हां, तो वो मैं रेंट का सीन है, रेंट तो मैं दे दूंगी, कोई सीन नहीं है। क्या मतलब एक दो महीने का रेंट का ऐसे मतलब सीन तो नहीं ना, मतलब तू वहीं पे जा रही है, तू मंथली रेंट अरे लॉकडाउन 10-10 15 दिन के बाद ऐसे हो जाएगा सॉर्ट सब कुछ। शेड्यूल बन जाएगा, देखो लॉकडाउन के बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाना है। इतनी मुश्किल से तो बाहर निकल गया, तो पहले 1-2 साल तक मनाने में लग गए, अब तो इतना मुश्किल से डिसीजन लेके कि दोबारा जाएगी। तू ऐसे कर 10-15 दिन के लिए जाया, सबको मिल मुल के तड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद आ जाओ। अभी जाना सेफ नहीं है, हां मतलब यही 5-6 दिन में लॉकडाउन खुलेगा। अगर दिल्ली में भी लॉकडाउन नहीं है, वैसे भी जाने का मतलब नहीं होता। इतनी मुश्किल से देखो कन्विंस कर लिया, और पूरी दुनिया भी देख ले बाहर की। अरे बट सेम है, यहां पे भी घर में बंद हो, वहां पे भी घर में बंद हो, तो फिर बात पे बैठने से कंटेंट में तेरा फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोफाइल वगैरह बेटर, तेरे को पता है कंटेंट कितना YouTube पे आते, कितनी 4-5 YouTube तो दिन की तो बना रही है। वैसे भी डैम फैम की वीडियो में सभी रहते हैं, और तूने पिछली बार भी 2 बार ट्राई किया पिछली बार भी लॉकडाउन लग गया था तो नहीं आ पाई, बट इस बार तो नहीं। तेरे को पता है आंटी से हो चुकी बात, कन्विंस भी हो चुका, और आंटी को पता है, उनको बोल दिया कि अब थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। ऐसा दिन नहीं सारा दिन घर पे बैठी रहेगी वहाँ पे भी। मैंने उनको बात करवा दी आंटी, मैं ना कर दूँगा थोड़ा 1 साल का तो टारगेट लेके चलना ही पड़ता है ना। कब की करवाई है? करवानी है ना अभी। अरे आंटी से सभी बात कर लेते हैं एक बार, उनको समझा देंगे। तो वैक्सीनेशन के बाद आ जाओ वापस, ये तो नहीं कोई बात बनती कि मैं जा रही हूँ फिर से ऐसे। मैं भाई अभी 7 दिन भी नहीं हो रहा तेरे को हफ्ते के लिए, अगर मतलब जैसे। अरे बट हफ्ते के लिए फिर ऐसा होगा ना, फिर वापस तो आना ही होना, मन ही नहीं लग रहा है।
स्टार्टिंग में हमारा भी नहीं लगा था एक दो महीने, उसके बाद सेट होता रहता है, होमसिक फील हो रहा है, बट वो ठीक है, मन नहीं लग रहा था, हम सारे ना तेरे साथ वहाँ पे अभी तू घर पे होते आते एक एक दिन छोड़ के अभी शंकु भी रहता है सब ऋषु भी तेरे पास दो दो दिन स्टे करके गया हुआ ऐसा थोड़ी होता मन नहीं लगने वाली के बाद सब साथ में ही अभी तो हम भी नहीं चला रहे हैं जब दिल्ली में होती है तब बोलती है मेरे को बुरा लगता है कि तुम सब साथ में होते हो मुझे एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी यार क्यों तेरे को अब सारा दिन अपने रूम में थोड़ी बैठी रहेगी तो दिल्ली में यहाँ पे भी तो करना ही पड़ेगा कुछ फालतू की बात आंटी से बात करवा दी तो ज्यादा मैं सोच इसकी बहुत मूड स्विंग होते हैं इससे बात ही मतलब आंटी से बात करेगी इसका डायरेक्ट तू समझा दे तो ऐसे बार बार फिर मेरे को तो बोल रही थी मेरे को रात को मैं तो बोला हूँ उसको कितना इसको मैं रात को लेक्चर दिया हूँ कि भाई ऐसे देखो देख बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है मैं इसको यही बोल रहा हूँ कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगी तो तू वैसे ही रह जाएगी घर पर बैठी मैं इसको बोल रहा हूँ सारा दिन वहाँ पे दिल्ली में भी यही सीन है इतनी मैंने इसको यही समझाया ना हॉस्टल रही है कभी कॉलेज में भी वह घर पे ही रही है हर टाइम थोड़ा बाहर निकलेगी तभी दुनिया देखेगी यहाँ की इतनी चीजें सीखने का एक साइड देखो ये भी फील होता है कि तू घर पे है और कि हम सब अब यहाँ पे आकर तेरा यूट्यूब भी बना रही तू रोज कितना कंटेंट भी हो रहा सब साथ में रही है वो लॉकडाउन का सीन में ना सबके दिमाग खराब हो रहे हैं तो ना फालतू मत बोलो लॉकडाउन के सीन में सबके दिमाग खराब कहीं नहीं जा रहे तुम लगा गेम ऐसे बोल दिया मैं जान दे दो इसको इसको नहीं समझ से बात ही नहीं करनी थी बहुत एमेच्योर है इस चीजों में आंटी से बात कर लेंगे करे ऐसे तो मत ही सोच क्या हो गया नहीं जा रही ना जा रही हूँ मजाक कर रही चल चुप कर तू मैसेंजर हो गया यार पास ट्रेन से मुझे लगा वो तो पागल है यार यहां पे बहुत मेरा फायदा हो जाता है पे कूड़ा मत डालता तो सो गाइस क्योंकि बहुत लोगों ने आप लोगों ने ये वर्क तू जा अब चट में चल जा वापस जा लो सोते आ गए थे जान अभी निकल मैं तुम्हें फिर कॉल कर रहा हूं 2 मिनट के लिए ना सच में सच में समझाने लग गए इसको सीधे प्रैंक कर रहे हैं काम कर रहे होंगे होंगे ये देखो मेरा दिमाग गर्म हो गया थोड़ा सा दिल टूट गया मैं समझा रहा हूँ इसको दिल से मत जा डिप्रेशन हो रहा है ये चीजों के कारण हो रहा है लॉकडाउन के कारण हो रहा है ये वाले मेंटर मेरे को नहीं कभी लगता तो प्रैंक करेगी क्योंकि थोड़ा सीरियस मैटर हो ऐसा मैं सच में बोल सकती हूँ मतलब इन्होंने को पता कि मैं ऐसा फील कर सकती हूँ ऐसा कुछ पहले दो बार कैंसिल हुआ ना तो लगा मेरे कभी जब बर्थडे था पूरा जब भी सोफे में बैठना वो सामने देखना हमने वो फ्रेम से हटाओ पहले अच्छा ये भी मिला हुआ तेरे साथ आप सोचो खुद सोचो करने लगी है क्यों नहीं पहले मैं आप पे प्रैंक करने लगी थी कि आपका लैपटॉप और आपका कैमरा दोनों में से एक सोचता मैं कि मैंने तोड़ दिया बट उसके अंदर मार देता मेरा लैपटॉप तो हो चुका है ना ओह आई एम सो सॉरी मेरा ब्रैकेट टूट गया आई एम सो सॉरी बट मैंने अगर अरज का होता तो मुझे डमी खरीदना पड़ता मैंने बोला इतना तो कुछ खुला वुला ही नहीं है क्या करूंगी बढ़िया बढ़िया हुआ लोगों ने ये सजेस्ट किया था मैंने स्नैपचैट पर डाला लोगों पिटाई जाओ इसके कमेंट पट्टे पड़ेंगे
पता लगा बात फॉलो लोगों ने यही रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने सोचा तो इजी है बहुत इजी है बैठ के सब मान भी जाएंगे इजी है कुछ कुछ ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू ओके खेलने दे डू लाइक सब्सक्राइब जो भी है चल साइड आउट और आई एम सो सॉरी माना माना तो मम्मी मम्मी को सच में लग रहा है माना फोन करने वाला था यहां पे देखो गाइस इफ मैं इसी तरह मेरे कमेंट्स में बताओ मैं क्या लूं तो बिल्कुल नहीं और थैंक यू गाइस फॉर बीइंग अब तो गेम में भी जाऊंगा तो बाय सी यू नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो।